आज मैं एक्सप्लेन करूंगी सन 2000 में रिलीज हुई एक मैक्सिकन मूवी जिसका नाम है लव इज अ बे। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 8.1। मूवी एक कार एक्सीडेंट से जुड़ी तीन अलग अलग कहानियों से बनी है और इन तीनों ही कहानियों में डॉग यानी कि कुत्ता सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। कहानी की शुरुआत में हम एक कार को दूसरी कार का पीछा करते हुए देखते हैं। आगे भाग रही कार के पिछली सीट पर एक घायल रोटवेलर डॉग है जिसकी बॉडी से काफी खून निकल रहा था और तभी उस कार का एक दूसरी कार से बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और इस मूवी का पहला सेगमेंट शुरू होता है जिसका नाम है ऑक्टावियो एंड सुजाना। हम एक लोकल ठग जोराचो को देखते हैं जो कि डॉग्स की फाइट में पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरी तरफ हम सुजाना नाम की एक लड़की को देखते हैं और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसका डॉग जिसका नाम कॉफी है वो घर से भाग गया। ऑक्टोवियो अपनी माँ भाई रामीरो और अपने भाई की पत्नी सुजाना के साथ रहता है। वो एक गरीब परिवार से है। रामीरो एक सुपरमार्केट में जॉब करता है लेकिन और पैसे कमाने के लिए वो छोटी दुकानों में डकैती भी किया करता था। ऑक्टोवियो अपनी भाभी सुजाना से प्यार करता है और चाहता है कि वो उसके साथ भाग जाए। रामीरो सुजाना के साथ काफी वायलेंट है और बात बात पर सुजाना के साथ मारपीट किया करता है। अपने भाई की ये हरकत ऑक्टावियो को पसंद नहीं है। उधर जोराचो डॉग फाइट जीतने की वजह से काफी खुश है और फिर वो अपने डॉग को स्ट्रीट डॉग से लड़वाने का सोचता है लेकिन उन स्ट्रीट डॉग्स को एक बुढ़ा आदमी चीवो पालता था जिसके पास छुरा देख कर जोराचो ने अपना मन बदल लिया। लेकिन तभी उसकी नजर रोटवेलर कॉफी पर जाती है जो ऑक्टावियो का डॉग है और फिर उसने अपने डॉग को कॉफी के ऊपर छोड़ दिया। जॉर्ज ऑक्टावियो के पास आता है और बताता है कि उसके डॉग कॉफी ने जोराचो के डॉग को मार डाला और तभी वहां जोराचो आता है और अपने डॉग की मौत के लिए कॉफी को जिम्मेदार ठहराता है। वो उससे पैसे मांगता है। पैसे ना मिलने पर वो उसके डॉग कॉफी को ले जाएगा लेकिन ऑक्टावियो को पता है कि इसमें उसके डॉग की कोई भी गलती नहीं थी इसीलिए वो पैसे देने से मना कर देता है। जोराचो उसे धमकी देकर चला गया जिसके बाद हम उसी बूढ़े आदमी चीवो को देखते हैं। वो एक होटल में खाना खा रहे आदमी को शूट कर देता है। उधर सुजाना ऑक्टावियो से बताती है कि शायद वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई है और अगर रामीरो को इसका पता चला तो वो काफी गुस्सा करेगा क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्थिति कुछ खास ठीक नहीं थी। ऑक्टावियो जॉर्ज से बताता है कि वो सुजाना से प्यार करता है और उसके साथ कहीं दूर भाग जाना चाहता है। जॉर्ज उसे समझाता है कि वो उसके भाई की पत्नी है और उसे सुजाना के पीछे अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए लेकिन ऑक्टावियो सुजाना के लिए पागल था और किसी भी हाल में उसे पाना चाहता था। सुजाना के साथ भागने के लिए उसे पैसे चाहिए इसीलिए वो अपने डॉग कॉफी को फाइट में उतारने का सोचता है जिसके बाद वो डॉग फाइट अरेंज करवाने वाले आदमी मोरोसियो के पास गया। मोरोसियो कॉफी की ताकत से अच्छे से वाकिफ था इसीलिए वो ऑक्टावियो को अपना पार्टनर बना लेता है। ऑक्टावियो घर पर आता है और वो सुजाना के बच्चे के लिए काफी सारी चीजें लेकर आया था और सुजाना को भी वो काफी सारे पैसे देता है। उधर मोरोसियो ऑक्टावियो को बताता है कि जोराचो एक बार फिर कॉफी के साथ अपने डॉग की फाइट करवाना चाहता है लेकिन ये फाइट प्राइवेट में होगी। ऑक्टावियो मान जाता है जिसके बाद वो मोरोसियो से उसका एक काम करने को कहता है। बाद में हम ऑक्टावियो को सुजाना के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। वो उसके साथ फ्यूचर के सपने देख रहा है और उसका प्लान सुजाना के साथ भाग जाने का है लेकिन उससे पहले कॉफी की जोराचो के डॉग से फाइट है। इस बार कॉफी के जीतने पर उसे काफी पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ रामीरो को मोरोसियो के आर्मी पूरी तरह से पीट रहे थे। ये सब ऑक्टावियो के कहने पर किया जा रहा था ताकि सुजाना और उसके बीच का रोड़ा साफ हो जाए। अगले दिन ऑक्टावियो को अपनी माँ से पता चलता है कि कल रात रामीरो को किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा और आज सुबह वो सुजाना को लेकर यहाँ से चला गया हमेशा के लिए। ये सुनने के बाद ऑक्टावियो टेंशन में आ जाता है क्योंकि सुजाना वो सभी पैसे लेकर रामीरो के साथ चली गई थी जो ऑक्टावियो ने सुजाना और अपने फ्यूचर के लिए बचा कर रखे थे लेकिन सुजाना उसे धोखा दे गई। किसी तरह पैसों का बंदोबस्त करके ऑक्टावियो कॉफी को जोराचो के डॉग से फाइट के लिए तैयार करता है। कॉफी जीत ही रहा था कि जोराचो ने कॉफी को गोली मार दी। ऑक्टावियो को गुस्सा आ गया और वो जोराचो के पेट में चाकू घोंप देता है और जॉर्ज के साथ वहां से भाग जाता है। जोराचो के आदमी उसके पीछे पड़ गए और यही मूवी का पहला सीन था जहां जोराचो के आदमी ऑक्टावियो के पीछे पड़े थे और ऑक्टावियो की कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है।
दूसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है डैनियल एंड वलेरिया। हम एक एड प्रोड्यूसर डैनियल को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं, जिसकी बीवी घर पर आ रही ब्लैंक कॉल से परेशान थी और उसे शक है कि डैनियल का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वलेरिया एक सुपर मॉडल है जिसके लिए डैनियल ने अपनी फैमिली छोड़ दी। डैनियल वलेरिया के लिए एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदता है जिसके सामने वाली रोड पर उसी के एक एड का बिलबोर्ड लगा हुआ था, लेकिन उस अपार्टमेंट का फ्लोर बीच में से टूटा हुआ है। डैनियल के सारे पैसे इस अपार्टमेंट को खरीदने में खर्च हो गए, इसीलिए अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि फ्लोर को रिपेयर करवा सके। उसी दिन वलेरिया जब अपनी कार से कहीं जा रही थी उसका सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसका पैर टूट गया। और वलेरिया की कार का एक्सीडेंट ऑक्टोवियो की कार से हुआ था जब जो रोचुके आदमी उसका पीछा कर रहे थे। वलेरिया का मॉडलिंग करियर खत्म समझो। वो वापस घर आ जाती है और जब वो अपने डॉग रिची के साथ खेल रही थी, रिची उसी फ्लोर के एक होल में घुस जाता है। काफी आवाजें देने पर भी वो वापस नहीं आता और जब डैनियल वापस आया, वलेरिया उसे रिची के बारे में बताती है। डैनियल कहता है कि वो कुछ देर में वापस आ जाएगा, लेकिन कई दिनों बाद भी रिची उस होल से बाहर नहीं आता। रिची की वजह से दोनों के आपसी संबंधों में तनाव होने लगा था। वलेरिया को लगने लगा था कि डैनियल वापस अपनी फैमिली के पास चला जाएगा उसे अकेला छोड़कर। डैनियल को अपने बच्चों की याद आने लगी थी, लेकिन फिर भी वो वलेरिया का साथ नहीं छोड़ता। रिची को ढूंढते वक्त वलेरिया गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उसके पैर के टिश्यूज को काफी नुकसान पहुंचा था, इसीलिए डॉक्टर बताता है कि उन्हें वलेरिया के पैर को काटना पड़ेगा। डैनियल वापस घर आता है, वो काफी परेशान था। तब उसे रिची की आवाज फ्लोर के नीचे से आती है और जब वो फ्लोर को तोड़ता है, रिची उसी फ्लोर के नीचे उसे मिल गया। वो ठीक था, वलेरिया भी वापस घर आ चुकी थी। उसका पैर काट दिया गया है और अब वो पूरी तरह से व्हीलचेयर पर निर्भर थी। वो खिड़की से बाहर इस उम्मीद से देखती है कि शायद अभी भी वहाँ उसके एड का बिलबोर्ड मौजूद होगा, लेकिन उसका दिल तब टूट जाता है जब बाहर उसे अपना बिलबोर्ड नहीं दिखाई देता। उस बिलबोर्ड को हटा दिया गया था। डैनियल को भी अब अपनी फैमिली छोड़ने का काफी अफसोस हो रहा था, क्योंकि अब वलेरिया उसके किसी काम की नहीं रह गई थी। तीसरी कहानी शुरू होती है एल्चीवो एंड मारू। आइए बात करते हैं ये कहानी कार दुर्घटना से कैसे जुड़ी है। इस कहानी का नायक वो इंसान है जो एक भिखारी जैसा दिखता है, वो वास्तव में एक प्रोफेशनल हिटमैन है। आइए इनके पास्ट के बारे में जानते हैं। एल्चीवो एक समय एक सामान्य व्यक्ति एक स्कूल शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन जल्द ही गोरिला आंदोलनों में शामिल हो गए और आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने लगे। उन्हें 20 साल के लिए जेल जाना पड़ा। गोरिला आंदोलन के लिए उसने अपनी पत्नी और 2 साल की बच्ची को छोड़ दिया। उसकी पत्नी अपनी बेटी को झूठ बताती है कि उसके पिता मर चुके हैं। 20 साल बाद वो जेल से बाहर आता है एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की मदद से, और फिर वो स्ट्रीट डॉग्स को पालने लगा। अब प्रेजेंट में चीवो के पास एक आदमी अपने सौतेले भाई की सुपारी देने आता है। चीवो अपने टारगेट पर नजर रखना शुरू कर देता है और जिस दिन वो उसे मारने ही वाला था, तभी एक कार एक्सीडेंट की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और हमें पता चलता है कि ऑक्टोवियो की कार वलेरिया की कार से टकरा गई थी, जिस वजह से वलेरिया को अपनी टांग खोनी पड़ी। चीवो ऑक्टोवियो की मदद करने उसके पास आता है और तब उसकी नजर उन पैसों पर जाती है जो ऑक्टोवियो की जेब में थे। चीवो उन पैसों को चुरा लेता है। ऑक्टोवियो को एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले जाती है। उस एक्सीडेंट में जॉर्ज की डेथ हो चुकी थी। चीवो ऑक्टोवियो की डॉग कॉफी को अपने साथ ले जाता है और उसकी काफी अच्छे से देखभाल करता है। उधर हम रोमेरो को देखते हैं जो एक बैंक लूटने की कोशिश के दौरान पुलिस के हाथों मारा गया। चीवो ने भी उस आदमी का किडनैप कर लिया था जिसने अपने भाई की मारने की सुपारी उसे दी थी। उधर रोमेरो का फुनरल था जहां ऑक्टोवियो भी मौजूद है। वो सुजाना से जानना चाहता कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, लेकिन सुजाना कुछ नहीं कहती। ऑक्टोवियो एक बार फिर उसे साथ में भागने के लिए कहता है और बताता है कि वो कल रात 11 बजे बस स्टॉप पर उसका वेट करेगा। सुजाना बस इतना कहती है कि वो अपने होने वाले बच्चे का नाम रोमेरो रखेगी, जो कि उसके पति का नाम था, जिसका साफ मतलब ये है कि सुजाना हमेशा से रोमेरो से प्यार करती थी, ना कि ऑक्टोवियो से। अगले दिन ऑक्टोवियो को सुजाना के लिए बस स्टेशन पर इंतजार करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वो नहीं आती और ऑक्टोवियो की आंखों में आंसू थे। वो भी बस में नहीं चढ़ता। एल्चीवो को पता चलता है कि कॉफी ने उसके बाकी सभी डॉग्स को मार डाला है। उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो कॉफी को कुछ नहीं कहता और अपने सभी डॉग्स को जला देता है। कहीं ना कहीं कॉफी की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। उसे जिस तरह इंसानों ने पैसों के लिए इस्तेमाल किया, कॉफी का नेचर काफी वायलेंट हो गया था और अब डॉग्स के साथ लड़ना उसके नेचर में आ चुका था।
बाद में चीवो उस आदमी का भी किडनैप कर लेता है जिसने उसे अपने सौतेले भाई को मारने की सुपारी दी थी। फिर वो खुद को अच्छे से ग्रूम करता है। वो दोनों भाइयों को जीवित छोड़ देता है और उनकी बहुत से दूर बीच में एक पिस्टल रख कर उन्हें अलग अलग जंजीर से बांध देता है और उन्हें उनके हाल में छोड़कर चला जाता है। दोनों उस पिस्टल को पाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। फिर चीवो अपनी बेटी मारू के घर में घुस जाता है और एक आंसरिंग मशीन पर एक मैसेज के साथ पैसों का एक बड़ा बंडल रखता है। वो उस आंसरिंग मशीन में बताता है कि 20 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था, और जब वो मारू को बताने ही वाला था कि वो उससे कितना प्यार करता है तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। फिर वो एक ऑटो शॉप में जाता है जहां वो उसी आदमी की एसयूवी बेचता है जिसने उसे सुपारी दी थी। मैकेनिक उससे उस कुत्ते का नाम पूछता है। एलचीवो उसे कॉफी का नाम ब्लैकी बताता है। एलचीवो को उस कार के लिए अच्छे पैसे मिलते हैं। पैसे मिलने के बाद वो ब्लैकी उस कॉफी के साथ हमेशा के लिए उस जगह को छोड़कर चला जाता है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि तीनों कहानी का सेंटर डॉग यानी कि कुत्ता है। चीवो ने अपने कुत्ते कॉफी उस ब्लैकी की वजह से खो दिए। चीवो गुस्से से भर जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो भी एक हत्यारा है और पैसों के लिए लोगों की हत्या करता है। जो वो अपने कुत्ते को खो देता है, उसने उसे ये एहसास कराया कि उसने लोगों को कितना दर्द पहुंचाया है। परिणाम स्वरूप वो अपने लास्ट टारगेट को नहीं मारता, वो अपने क्लाइंट और टारगेट को खुद निर्णय लेने के लिए छोड़ देता है। वही ऑक्टेविओ अपनी भाभी के लिए वासना रखने की वजह से डॉग फाइट में पड़ा। पैसे कमाने का उसे ये एक आसान तरीका नजर आया, जिस वजह से जुरोचो उसका दुश्मन बन बैठा और उसने कॉफी को गोली मार दी। ये सच है कि डैनियल वलेरिया की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट था, ना कि उससे सच्चा प्यार करता था। वलेरिया के डॉग रिची के साथ हुई घटना के कारण वलेरिया को अपना पैर खोना पड़ा और इससे उनके रिश्ते में भारी तनाव आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल।